संस्कार संस्कार क्या होता है इट्स अ सीरीज ऑफ एंड एंड रिचुअल्स दैट सर्व एज राइट्स ऑफ ऑफ पैसेज मार्क द वेरियस स्टेजेस द ह्यूमन लाइफ एंड टू सिग्निफाई एंट्री टू अ पर्टिकुलर आश्रम तो यहां पे क्या बोला जाता है कि लाइफ uh, के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं तो आप जब भी एक स्टेज में से दूसरे स्टेज में जाते हो तो आपको एक रिचुअल करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड संस्कार इसमें जो फर्स्ट संस्कार है वो है गर्भाधान मतलब कि संतान प्राप्ति के लिए जो यहाँ पे रिचुअल वगैरह किए जाएंगे उसको हम गर्भाधान बोलते हैं अभी संतान प्राप्ति मैंने बोला है तो पुत्र या फिर पुत्री मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है अगर मेल नहीं आता है मतलब पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तो उसके लिए दूसरा संस्कार किया जाता है दैट इज कॉल्ड पुंसवन सो पुंसवन मतलब टू तो सिक्योर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर पुत्र होगा तो ही उनका वंश आगे चल पाएगा तो इसीलिए पुत्र प्राप्ति के लिए यह पुंसवन संस्कार किया जाता था थर्ड संस्कार है सीमंतोनयन बहुत लोगों को पता है हम सीमंत के नाम से इसको जानते हैं तो सीमंत इज द थर्ड संस्कार मतलब क्या होता है सीमंत का कि जो गर्भ में जो चाइल्ड है उसकी रक्षा के लिए उसकी सेफ्टी के लिए जो रिचर्च किए जाएंगे जो सेरेमनी की जाएगी वो सो द दिमंत इज द सेरेमनी टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड इन वॉर्म देन फोर्थ है जात कर्म जात कर्म क्या होता है सेरेमनी फॉर द न्यू बोर्न चाइल्ड जब चाइल्ड बोर्न हो जाता है उसके एक दिन दिन में ही ये संस्कार किया जाता है जातकर्म जातकर्म को जनरली षष्ठी भी बोला जाता है ठीक है सो so, याद रखना है जातकर्म और षष्ठी एक ही है षष्ठी बहुत लोगों को पता होता है क्या होता है तो वही जातकर्म है देन फिफ्थ है नामकरण सो द बेबी चाइल्ड गेट्स नेम ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस संस्कार तो बेबी का नाम रखने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसको नामकरण बोलते हैं देन सिक्स है दैट इज निष्क्रमण जब चाइल्ड को सबसे पहली बार घर से बाहर निकला जाता है और सनलाइट में रखा जाता है

ठीक है नाइन संस्कार इज करोना वैद मतलब कान को पियर्स करना दैट पियर्सिंग ऑफ द इयर्स टेंथ है उपनयन आगे बहुत बार उपनयन का मेंशन आया है उपनयन का दूसरा मतलब क्या होता है यज्ञोपविधि होता है जनोई धारण करना ऐसा भी बोला जाता है सेरेमनी ऑफ वियरिंग द सेक्रेट थ्रेड कॉल्ड यज्ञोपवितम द चाइल्ड एंटर्स द लाइफ ऑफ स्टूडेंट उसके बाद वो विद्या अपनी स्टार्ट कर सकता है तो यही हो गया उपनयन तो हमें पता है रीग विद के हमने देखा था कि जो अपर थ्री क्लास है उनको ही ये इजाजत होती है उपनयन कर संस्कार करने की ठीक है तो so, इसलिए उनको हमने क्या बोला था द्विजा बोला था इलेवेंथ संस्कार इज वेदारंभ जहां से भी वेद की शिक्षा स्टार्ट कर सकता है गुरुकुल में जाके पाठशाला में जाके देन समावर्तन दैट इज सेरेमनी ऑन द कंप्लीशन ऑफ द स्टूडेंटशिप एंड कमिंग बैक होम

अंटी रिचुअल्स एसोसिएटेड विद फ्यूनरल तो इस तरीके से हमें ये सिक्सटीन संस्कार याद रखने स्टोरी के फॉर्म में याद रखोगे तो वो याद रह जाएगा